पीएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। स्कूली बच्चों में फैल रही MFHD डिजीज, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। अब तक बीमारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं चंडीगढ़ में। ये बीमारी जो है स्कूली बच्चों में तेजी से फैलती हुई दिख रही है। चंडीगढ़ के दो बड़े निजी स्कूलों ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। स्कूलों ने नोटिस जारी कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं। ये बीमारी लगातार फैल रही है, अपने पांव पसार रही है। ऐसे में चंडीगढ़ के जो निजी स्कूल हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। MFHD डिजीज तेजी से फैल रही है। अब तक इस बीमारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं। ऐसे में दो बड़े निजी स्कूलों ने नोटिस जारी करके ये कह दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। अब तक इस बीमारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं। चंडीगढ़ के निजी दो बड़े स्कूलों ने नोटिस जारी किए हैं और इन दोनों स्कूलों ने नोटिस जारी करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कही है। यानी कि अब जो बच्चे हैं इन स्कूलों के वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। MFHD डिजीज लगातार तेजी से फैल रही है, स्कूली बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अब तक इस बीमारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन, स्कूल प्रशासन किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। MFHD डिजीज इस समय तेजी से स्कूली बच्चों में फैल रही है, किस तरह की ये बीमारी है और कैसे ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि ट्राइसिटी की बात करते हैं, चंडीगढ़ की नहीं बात करें, ट्राइसिटी की बात करें तो अब तक कंफर्म 24 केसेस, अगर हम कहें कि हाथ पैर और मुंह के डिजीजेस के, ट्राइसिटी में आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा केस पंचकुला 15, मोहाली से 8 केस और चंडीगढ़ से 1 केस अभी तक ऑफिशियली सामने आया है। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर हम कहें कि स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाइयां तेज कर ली हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है छोटे बच्चों को टारगेट करती है, 1 से 5 साल के बच्चे हैं। ये हाथ पैर और मुंह में अगर हम कहें कि दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, और वो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो छोटे बच्चों में एक वायरल इन्फेक्शन है बेसिक, तो उनसे फैलता है। और अब कहें क्योंकि छोटे बच्चे अगर नॉर्मली खांसते हैं, जुकाम होता है तो उससे स्प्रेड होता है, तो हम कह सकते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत जल्दी स्प्रेड भी हो जाता है। इस चीज को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने जहां जहां पे केसेस आए हैं उन्होंने अपने लेवल पे सभी छोटे बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिस्क में रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सभी छोटे बच्चों की, हम कहें कि प्री नर्सरी, नर्सरी केजी, यहां तक के छोटे मतलब 5 साल तक के बच्चों की क्लासेस को बंद कर दिया, ऑफलाइन को बंद कर दिया और ऑनलाइन मीडियम शुरू कर दिया गया। और अब वहीं पे बाकी दूसरे स्कूल्स भी इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से कल मीटिंग भी हुई थी, उसमें इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस किया गया था जो बच्चों में ये स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि देखिए कहने के लिए 24 केस आए हैं पर ये जिस स्पीड से स्प्रेड होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी है, तो इसलिए स्कूल प्रशासन अपने लेवल पे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा पेरेंट्स को सर्कुलर जारी किए हैं कि जिनके बच्चे घर पर है कि अगर आपके बच्चे में सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म करें, कि हाँ सीधे तौर पर पेरेंट्स से कहा गया कि आप स्कूल को इन्फॉर्म करें ताकि स्कूल के पास ये रिकॉर्ड हो कि बच्चा चाहे स्कूल बस से आता था या कैसे आता था, ताकि उन सभी को आगे फॉरवर्ड किया जा सके, बाकी पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जा सके कि ये सिनेरियो है कि ये पर्टिकुलर क्लास का बच्चा इसमें ये बीमारी आई है, तो आप अपने बच्चों में भी ध्यान रखें कि वो उनको भी कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एयरबॉर्न डिजीज अगर बच्चा खांसता है या छींकता है तो इससे ये बच्चों में स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अब प्रशासन से अब देखना होगा प्रशासन क्या कदम उठा, अपनी तरफ से मीटिंग से शुरू कर दी है पर अभी तक कोई ऑफिशियल अगर हम कहें कि हिदायतें नहीं जारी की गई है। ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे अमित कि आखिर ये बीमारी फैल कैसे रही है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और क्या वाकई में बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं इस बीमारी की चपेट में आने से? देखिए पल्लवी, इस बात की हम कहें कि खुशखबरी माने या इस बीमारी का हम कहें कि ये बीमारी माइल्ड रहती है जी। बहुत माइनर केसेस में ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है पर हम कहें कि नॉर्मली ये माइल्ड केसेस तक ही रहती है, पर ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। आपको बता दें इसके सिम्टम्स सिंपल हैं, सीधा हम कहें कि बुखार जो स्टार्टिंग में बीमार बुखार आता है, फिर वही अगर हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 10 दिन का, कि 5 से 10 बुखार आने के 5 से 10 दिन के अंदर अगर आपके बच्चे के मुंह पे, हाथ पे या पैरों के एड़ियों पे दाने आ रहे हैं, ये दाने धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, बाद में बड़े होकर इनसे पस भी निकलती है, तो इन सभी चीजों से स्प्रेड हो सकती है। स्प्रेड कैसे होती है कि देखिए बच्चा जब खांसता है या छींकता है तो जो मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं वो स्प्रेड होते हैं, उनसे ये किसी और को हो सकता है, जो दाने होते हैं दाने किसी और के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है, तो ये काफी हद तक बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, असली इशू ये है। उसके बाद हम बच्चे को कहते हैं कि ऑफकोर्स गले की प्रॉब्लम, थोड़ी खांसी, जुकाम, काफी वायरल से एक नॉर्मल जो सीजनल चेंज वायरल है उससे सिम्टम्स काफी मैच करते हैं, तो इसलिए इसको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये बच्चों में बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं और खास तौर पे छोटे बच्चे, क्योंकि ये मेजर केसेस से छोटे बच्चों में देखे जाते हैं,
तो वही एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है, इसलिए प्रशासन कोशिश कर रहा है और स्कूल अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में स्प्रेड ना हो, नहीं तो हमें एक सिवियर एक्शन लेने पड़ सकते हैं उनको। अमित, सावधानियां क्या बरती जा सकती हैं इस समय? देखिए, इसके लिए सबसे बेसिक सावधानी, सबसे पहली बात पेरेंट्स को लिए कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो उन्हें स्कूल ना भेजे, ये बिल्कुल क्लियर कट अगर हम कहें कि सीधी हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ बच्चों को एक दूसरे से दूरी रखने के लिए ऑफकोर्स हिदायत दी गई है। अगर बच्चे को खांसी है, जुकाम है, तो ये रिकमेंड किया गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि बच्चा दूसरे बच्चों के कॉन्टेक्ट में ना आए, क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 साल के बच्चों से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज्यादा मतलब हम कहें कि अब रेसिस्टेंस रख पाएंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेरेंट्स को ये बोला कि आप अपने बच्चों में इस बात का ध्यान दें, क्योंकि वायरल से काफी ज्यादा सिम्टम्स मैच करते हैं, तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देने को, अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसको पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही स्कूल भेज जाए। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बच्चे को हल्का सा खांसी जुकाम है तो पेरेंट्स उनको स्कूल भेज देते हैं कि सीजनल चेंज है, मानसून चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि अब हाथ पैर और मुंह की बीमारी साथ में चल रही है तो अब यहाँ पे रिकमेंड ये किया गया पेरेंट्स के कि आप अपने बच्चों को घर पे रखें। और अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं, सिम्टम्स क्या है, रैशेज हो जाते हैं हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, तो दूसरी तरफ हम बात करें कि हल्का बुखार रहता है बुखार होने के बाद अगर हम कहें, तो ये सब सिम्टम्स है तो इन पे डॉक्टर की तुरंत सलाह लें, ये एक मेजर रिकमेंडेशन है। चलिए, शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।